together, let's celebrate the achievements and milestones of our tiny tots. Let's get ready for a day of proud moments and share victories. So just clap once for your little kids and whoop together to show the world that we are the champions and reveal your tip-to-toe energy to everyone. A big round of applause for all the little champions of SR Capital Public School. Aur Prakash deta hai. Ye hame safalta ki bulandiyon tak pahunchne mein hamara margdarshan karta hai. Shubham Kurukshetra Kalyanam Arogyam Dhansam Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deepak Jyoti Namaste. To aaiye दीप प्रज्वलित कर हम अपने एनुअल स्पोर्ट्स डे बुलंदी का शुभारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारी मैनेजिंग कमेटी से कि कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रतिभा सीख रहे हैं और प्रतिभाशाली हो रही हैं। आज के टाइम में
आज की एजुकेशन की डिमांड है कि बच्चे का चौमुखी विकास हो, यानी कि उसे म्यूजिक में भी, उसको कल्चरल एक्टिविटीज में भी, उसको स्पोर्ट्स में भी, हर तरह से उसका सर्वांगीण विकास हो, तभी उसके अंदर उसकी एजुकेशन जो है अपने आप में सही साबित होती है। तो हम सब मिलकर आप देख ही रहे हैं कुछ सालों से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपकी सपने और उम्मीदों को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है आपका हमारा साथ बना रहेगा और आप ऐसे हमें सहयोग देंगे, आपकी शुभकामनाएं, आपका सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हम भी ऐसा कैप्टन स्कूल को बुलंदी तक लेके जाएंगे जो हमारा सपना है। हमारे छोटे बच्चे तैयार है अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने कर्तव्य दिखाने के लिए। सो मैं आपको दोबारा से आपका स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।
मैं तो उसको स्पोर्ट्स वीक बोलूंगा। हमने स्पोर्ट्स डे को ब्रेक कर दिया स्पोर्ट्स वीक में। अगर हम किसी बड़ी इवेंट में बड़ी जगह में कार्यक्रम को करते तो एक या दो दिन में कार्यक्रम को करते और बड़े बच्चों का कार्यक्रम वो हावी हो जाता। हमारे इस पैटर्न के अंदर हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, छोटे से छोटे बच्चे ने हर एक बच्चे को खिलाया। तो स्पोर्ट्स वीक का मतलब है कि हर एक बच्चा उसके अंदर खेले। लिमिटेड बच्चों की एक या दो रेस था, बहुत सारे रेस हम कराएं तो उसमें आज हम सफल हुए और पेरेंट्स ने भी उसको एंजॉय किया। आपको हमने एक काढ़ा पिलाया है, ये फोटो हस्त की है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा। मेला को आयोजन किया गांधी दर्शन रामघाट के अंदर, जिसके अंदर करीब 100 से ज्यादा स्कूलों ने भाग लिया था और अभी कल ही खत्म हुआ है। 18-19 दिसंबर को गांधी दर्शन राजघाट के अंदर हमने मिलेट मेला लगाया था। मिलेट के फायदे क्या है, डॉक्टर के साथ संवाद था, कैसे हम आरोग्य रह सके, आहार से आरोग्य अपने शरीर को कैसे हम रख सके, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई। बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल से लोग आए थे, यूनिवर्सिटीज ने इसमें भाग लिया था। बहुत सफल कार्यक्रम भी था। इसमें 2500 बच्चा अलग अलग स्कूलों से आया था। देखिए बड़े फख्र की बात है, सन इज राइजिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट यानी कि छात्रा इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट स्कूल बड़े बड़े स्कूल का नाम भी लेना चाहूंगा। बहुत स्कूलों में आ गया और इस प्रोग्राम को होस्ट नॉर्थ ईस्ट के स्कूल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने किया। हमारे लिए छात्रा के लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है। ये चलेगा कार्यक्रम 28 तारीख तक। सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की। देखिए कल प्रोग्राम में सभी लगे हुए थे देर शाम तक और आज देखिए एक नया कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। ये टीचर्स की स्पिरिट है, इस सफलता को आगे लेते जाएंगे। और कल केजी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के लिए इतना प्ले ग्राउंड सफिशियंट है। आपने भी देखा कि बच्चों ने सबने कितना एंजॉय किया। अभी पूरा प्ले एरिया डेवलप करेंगे हम यहाँ पे। प्ले एरिया के अंदर बच्चे फुटसाल फुटबॉल नहीं खिला सकते तो फुटसाल खिलाएंगे। फुटसाल का कोर्ट बन चुका है, क्रिकेट का नेट बन चुका है। ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि इन हाउस हम यहाँ पे बच्चों को खिला सकेंगे। स्पोर्ट्स बच्चों के जीवन में डेली आना चाहिए। स्पोर्ट्स में शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के लिए हम पूरा भरपूर कोशिश करते रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को हम यहाँ पे रूफ टॉप पे लेकर आए और खिलाएं। धन्यवाद।